ए लड़की, अरे कहाँ घुसी जा रही हो? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नाम लेके बात कीजिए ना पंडित जी, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमसे बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या आसमान पर लिखा हुआ है जो सबको पता होगा? हमारा रिश्ता आसमान से नहीं मिट्टी से जुड़ा है। ऊपर नहीं पंडित जी, नीचे देखिए, इमली दिख जाएगी। हाँ दिखेगी दिखेगी दिखेगी। पंडित जी आप, हाँ हाँ मंदिर के बाहर। पंडित जी ये है तुम्हारी असली जगह, इनके साथ। आज मंदिर का उद्घाटन है, समझी? पंडित जी उद्घाटन दुकान का होता है, मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। पता है पता है, तू मुझे सिखाएगी? प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रस्टी लोग आते ही होंगे, तो इन अपने जसों के साथ तुम यहाँ से निकल लो। पंडित जी आपने इमली को तो पहचाना नहीं, ट्रस्टी को कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश रंग ढंग से, सेंट से, सूट बूट से, समझी? निकलो। पंडित जी बच्चों, सब तैयार हो गई ना? ये क्या लेके आया मूर्ख? चांदी की थाली लेके आया उनके लिए? ट्रस्टी लोग आने वाले हैं, जा जल्दी जा। लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो। ऐसे क्या देख रहे हैं पंडित जी? ये हमारा सूट बूट अंग्रेजी रंग ढंग नहीं बता पा रहा है कि हम इस मंदिर का ट्रस्टी है। क्यों सता रही है पंडित जी को? प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ये मेरी भतीजी है इमली, ये मंदिर भी इसी ने बनवाया है और भंडारा भी इसी ने शुरू करवाया है। ये इस मंदिर की ट्रस्टी है। आप इस मंदिर की मालकिन है? मालकिन तो सीता मैया है पंडित जी, हम और आप तो बस सेवक हैं। बच्चों के कपड़े सेंट से महक रहे हो या फिर पसीने से, भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी, माँ सबसे एक समान प्रेम करती है। हाँ कभी कभी बच्चे अंतर कर जाते हैं। बच्चों मंदिर में आने से पहले सिर्फ जूते नहीं बाहर छोड़े जाते, उसके साथ साथ अमीरी गरीबी का हिसाब भी बाहर छोड़ा जाता है। मंदिर में संपत्ति नहीं, सिर्फ श्रद्धा साथ लाई जाती है। हुँ? मेरी बहन का नाम श्रद्धा है। चुप। आपका पहनावा देखकर समझ नहीं पाया, वरना पहनावा तो बना बनाया मिल जाता है पंडित जी, पहचान बनानी पड़ती है।
फिर भी अगर पहनावा ही पहचान होती तो आप तो हमें देखते ही पहचान जाते कि हम इमली की बेटी हैं। इमली है ना बुआ? अच्छा हुआ आपने यहाँ आकर मेरी आंखें खोल दी। इस चांदी की थाली को रहने दो श्याम। आज के बाद से इस मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए एक ही जैसी थालियां सजेंगी। इमली कितनी बातें करती है, प्राण प्रतिष्ठा शुरू नहीं करने? पर बुआ जी, चीनी दी के बिना प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? चिक चिक बंद करेगी अपनी, तब तो पहुंचूंगी ना कॉन्सर्ट में। शुश, बाय नाउ। चीनी, रेडी नहीं हुई तू अभी तक? ओहो, चल ना बुआ। चीनी इज डिफरेंट एंड रेडी। ये इमली की नई कुर्ती है ना? कह दे कि तूने उससे पूछ के पहनी। अगर आज के बाद तूने मुझे चिल करने को कहा ना तो आपने फाइनली चिल करना सीख जाओगे। लेट्स बी चिल ना बुआ। वेरी बैड चीनी। अरे इट्स ओके, ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। वो बेचारी तुझे कुछ इसलिए नहीं कहती क्योंकि प्यार करती है तुझसे, और तू उसकी इस आदत का फायदा उठाती है। चीनी बेचारी वो कॉन्वेंट में फेल हो या इम्पोर्टेंट गेस्ट के सामने एक सेंटेंस भी ना बोल पाए, ओकेजन्स की रिस्पेक्ट ना करे और कहीं पे भी अपने वो पुराने कपड़े पहन के चली जाए, फिर भी सबको वो बेचारी लगेगी ना, क्योंकि वो आर्यन सिंह राठौड़ और इमली की बेटी। बैंक की बेटी तो मैं हूं ना, बार बार अपने आप को प्रूफ तो मुझे करना पड़ता है। सारी लाइफ साथ रह के नुकसान ही हुआ है तो फायदा भी उठा के देख लेने दीजिए। वो इस घर की ओनर है, उसे सब कुछ मिलेगा, पर अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी ना तो मुझे भी अपनी मॉम की तरह सब कुछ छीनना पड़ेगा। ये स्टुपिड सी कुर्ती भी, अब आपको देर नहीं हो रही है बुआ? मंदिर से कॉन्सर्ट जाने के लिए क्या बहाना बनाएगी चीनी? थिंक फास्ट। चलो बुआ चलते हैं। बात से कुर्ती की नहीं, बात दोनों बहनों की आदत की है। आज चीज छोटी है, कल बड़ी भी होगी तो भी चीनी चीनी लेने में हिचकिचाएगी नहीं, और इमली देने में, क्योंकि वो इमली की बेटी है और चीनी मालिनी की। भगवान प्लीज प्लीज मेरे डर को गलत साबित कर दो, इन दोनों बहनों की कहानी इन दोनों बहनों को मत दोहराने दो।